बहुत बहुत धन्यवाद माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही विश्व को बताया कि भारत ही वो सेतु है जहां प्राचीन परंपराएं नवीन युग से जुड़ती हैं। न्यू इंडिया की मशाल भारतीयों के दिलों में जलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के महायज्ञ की शुरुआत कर चुके हैं, विश्व को इस बात का एहसास कराने का संकल्प कर चुके हैं कि भारत ही वो पुण्य भूमि है जो विश्व कल्याण की राह प्रशस्त कर सकती है। भारतीयता का अद्भुत गर्व महसूस कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें, अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी योग प्रेमी भाइयों और बहनों, देश के भिन्न भिन्न कोने में भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रेमियों को भी मैं आज लखनऊ की धरती से प्रणाम करता हूं। योग की एक विशेषता है मन को स्थिर रखने की, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। लेकिन आज मैं लखनऊ के इस विशाल मैदान में हजारों लोगों को देख रहा हूं और ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लगातार बारिश के बीच भी आप सब यहां डटे हुए हैं, योग के महात्म्य को बल देने का आपका ये प्रयास अभिनंदनीय है। योग स्वयं भी व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा करनी शुरू की है। एक वक्त था जब योग हिमालय में गुफाओं में ऋषियों मुनियों मनीषियों का ही साधना का मार्ग हुआ करता था। युग बदलते गए, सदियां बीतती गई, आज योग घर घर का, जन जन का, उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं न हमारी परंपरा जानते हैं न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग जो शरीर मन बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वाधिक वोटों से कम समय में
जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से लेकर के आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां पर योग के संबंध में कोई कार्यक्रम न होता हो, योग के प्रति आकर्षण न बढ़ा हो, जागरूकता न बढ़ी हो। पिछले 3 वर्ष में योग के कारण अनेक नई नई योगा इंस्टीट्यूट्स आज डेवलप हुई है। पिछले 3 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में योगा के टीचरों की मांग बढ़ी है। योगा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नौजवान योगा को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के सब देशों में योगा के टीचर की मांग हो रही है। विश्व में एक नया जॉब मार्केट योगा के द्वारा तैयार हो रहा है और भारत के लोगों की प्राथमिकता सारी दुनिया में सबसे पहले रहती है। एक जमाना था हर कोई अपने अपने तरीके से योग करते थे, धीरे धीरे उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसके स्टेजेज, योग में कैसे आगे बढ़ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से विश्व में समान रूप से योग की प्रक्रिया को भी स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में भारत में और भारत बाहर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। पिछले वर्ष यूनेस्को ने भारत के योग को मानव संस्कृति की एक अमर विरासत के रूप में मान्यता दी है। विश्व के संगठन स्कूलों में, कॉलेजेज में बालकों को योग की ट्रेनिंग मिले, बालक योग से जुड़े और धीरे धीरे वो जीवन का हिस्सा बन जाए, उस दिशा में जागरूकता बढ़ती चली गई है। आज भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने योग को शिक्षा का एक उपक्रम बनाया है ताकि हमारी भावी पीढ़ियां हमारी सदियों पुराने इस विज्ञान से परिचित हो, उसके अभ्यासु बने और वे उनके जीवन का हिस्सा बने। हेल्थ के लिए कई प्रकार के प्रकल्प होते हैं, लेकिन फिटनेस से भी ज्यादा, हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है और इसलिए वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज योग के सामने कहीं पर भी दुनिया में सवाल या निशान नहीं है। समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं, विश्व के भिन्न भिन्न समाज उसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। स्थल, काल, परिस्थिति के अनुकूल, आयु के अनुकूल योग में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, उसका विस्तार भी होता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देश और दुनिया के लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करता हूं। हमें योग के मास्टर बने या न बने, हम योग में अचीवर बने या न बने, लेकिन हम योग के अभ्यासु बन सकते हैं। और जिस समय पहली बार योग करते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं,
जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया, कितने बेकार होते गए हैं। और जब योग शुरू करते हैं तो शरीर के अनेक अंग जो सुसुप्त अवस्था में पड़े हैं उनकी जागृति को हम खुद अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी दिव्य चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्होंने पहली बार योग किया है उन सबको पता चलता है कि मेरे शरीर के अंग सुसुप्त पड़े थे, योग शुरू करने से ही उसके भीतर जागरूकता आने लगी है, चैतन्य आने लगा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं योग का महात्मा की बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं। नमक सबसे सस्ता होता है, सर्वदूर उपलब्ध होता है, लेकिन दिन भर भोजन के अंदर अगर नमक न हो तो सिर्फ स्वाद बिगड़ जाता, ऐसा नहीं है, शरीर की सारी अंतर रचना को गहरी चोट पहुंचती है। नमक होता थोड़ा सा है लेकिन पूरी शरीर की रचना में उसका महात्म्य कोई नकार नहीं सकता है, उसकी जरूरत को कोई नकार नहीं सकता है। नमक, एकमात्र नमक से जीवन नहीं चलता है, लेकिन जीवन में नमक न होने से जीवन नहीं चलता है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। कोई बहुत 24 घंटे योग करने की जरूरत नहीं है, 50 मिनट, 60 मिनट। और मैंने पहले भी कहा है कि जीरो कॉस्ट से हेल्थ इंश्योरेंस की ताकत योग के अंदर है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, अगर 125 करोड़ देशवासी, दुनिया के वासी अगर इस स्वस्थता को प्राप्त कर लें तो मानव के सामने जो मानवीय विचारों के कारण संकट पैदा होते हैं उन संकटों से भी हम मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। और इसलिए आज तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विश्व भर के योगा प्रेमियों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। विश्व के सभी देश जिस उमंग और उत्साह के साथ जुड़े हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, और मैं आज लखनऊ वासियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।